हम आज मौजूद हैं नॉर्थ कराची सेक्टर सराफा मार्केट के अंदर। आज हम बात करेंगे सेवरेज के हवाले से। हमारे वाइस चेयरमैन साहब हबीब साहब आए हुए हैं यहाँ पर। ये सेवरेज जो लाइने वाला जल्दी, इस पर आप क्या बोलेंगे सर? सेवरेज यही कि पूरी ये फातिमा इस्लामिया कॉलोनी का पानी जब गटर का यहाँ से भरा जाता बर्फ खाने से, तो सारा पानी यहीं से गुजरता है, चार मोड़ होकर नदी के अंदर गिरती, एक मोड़ पे नदी पे जाने वाले रास्ते पे लेनी नहीं है। इस वजह जो बार बार जो हमारी ये पूरा रोड जो है, जैसे यूपी के अंदर जो चेयरमैन साहब लाइन डलवा रहे हैं इसके अंदर पूरी कम्प्लीटली काम हुआ है। हमारी बात भी हुई है उनसे, उन्होंने बोला ऑन ईयर ही कहा है उन्होंने कि 15 दिन के हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे। आप इस पर क्या कहते हैं? उसके ये कि वो वही जहाँ तक के कहते हैं वहीं तक ही करेंगे, कहाँ तक करेंगे उनको पता है। क्योंकि कोई यहाँ पर भी आकर कहा हम यूँ कर देंगे, यहाँ तक के पूरे सेक्टर 11E में चार चार लाइटें, तीन तीन लाइटें पीली वाली लग चुकी है, हमारे यहाँ एक भी नहीं लगी। आपका एरिया कौन सा लगता है सर? ये सेक्टर 11E ए ब्लॉक लगता है, ए ब्लॉक का आखिरी, 11E का एक आखिरी। ये आपकी आवाज़ हम चेयरमैन साहब तक पहुँचाएंगे, उनको बताएंगे कि ये जो मसले हैं कि रिजॉल्व किए जाएँ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये क्या लाइटों का मसला जो आपके साथ वो करना चाहिए? लाइट और पानी, बुनियाद है पानी। पानी कब से नहीं आ रहा सर यहाँ पर? सीधे हाथ पे आ रहा है जो कि सीधा चला जाता है और उल्टे हाथ पे भी आ रहा है पानी। जी सर, आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई 3 साल से जो है ना पानी नहीं आ रहा है फाटफा में, परेशानी है, बढ़ बढ़ के ला रहे हैं। टंकियाँ भी जो है 400-500 रुपए की मिल रही है हमें। बहुत आपने कोई कंप्लेन करवाई थी? कंप्लेन भी करी है बहुत जगह, कुछ भी नहीं हो रहा, लाइनें भी बिल्कुल नीचे है। क्या प्रॉब्लम हमारे यहाँ? एक अर्से दराज यानी तकरीबन 35-40 साल से पानी की बहुत परेशानी है। आपने कंप्लेन की कोई? कंप्लेन क्या, यहाँ पे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सारे आके देख चुके, सब कुछ कर चुके, लेकिन सब तसल्ली दे जाते हैं लेकिन करता कोई कुछ नहीं। कितने सालों से पानी नहीं आ रहा सर? तकरीबन 35-40 साल से हम इसी तरह गुजार रहे हैं। किस तरह रह रहे हैं बगैर पानी? भाई पानी खरीद के पी रहे हैं। अच्छा, ये गैलन वगैरह पानी आप रोज लेकर आते हैं? कितने गैलन पड़ता है आपको? ये 40 रुपए का है, 40 रुपए का, 50 रुपए का। जी पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा ना, आगे पीछे आ रहा है, इस गली में बिल्कुल ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा इस गली में? आपने पूछा किस? अरे लेने डाली है, सब कुछ कर रहा है। आपने चेयरमैन साहब से बात की? अपने थ्रू भी पैसे खर्च किए मगर पानी का है एक बूंद नहीं आती है। कितने साल से परेशान है पानी? 4-5 साल हो गए, यहाँ कोई भी नहीं है। कंप्लेन की आपने कोई? पानी का ये प्रॉब्लम है भाई, हमारे इलाके का पानी रोक के और बेचा जा रहा है। अच्छा, कौन बेच रहा है पानी? बराए मेहरबानी हमारे इलाके के कुछ लोग ऐसे हैं जो बेच रहे हैं। अब कोई आपने कम्प्लेन की इनकी? हम लोग कम्प्लेन नहीं कर सकते, वो पावरफुल ज्यादा है। क्या पावरफुल है? कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, जो भी बोलता है वो डरता है पानी के। आपने चेयरमैन साहब को कम्प्लेन की इसकी? पानी की चूड़ियाँ पीछे से कम खोली जाती हैं, अगर ये फुल चूड़ियाँ खोलते हैं तो पानी आता है। ये 5-5 हज़ार रुपए की हर साल के साल ऑफर करते हैं। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गंदगी गड्ढे लगे हुए हैं, सबको मालूम है, किसे पता नहीं है। नाजिन यहाँ आवाम यहाँ की बहुत परेशान है पानी के लिहाज से, यहाँ धक्के खा रहे हैं, पानी आ नहीं रहा। आप क्यों धक्के खा रहे हैं? धक्के खा रहे हैं, देखो सब इधर देखो, ये देखो लेके भाग रहे हैं सबको इधर, कोई उधर, लाइट गई भी है 4 बजे से, अभी तक कोई लाइट ही नहीं आई है। इमरान खान बोलता है नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा में बना रहा है, पति पंजाब में बना रहा है, कराची में है कहाँ? कंप्लेन करवाएं ना, इसकी कंप्लेन करवाएं, आप एहतजाज करें। ये मेयर साहब है हमारे वसी अख्तर साहब, उनका कुछ पता नहीं कहाँ गोल हुए हैं, और एमपी हैं, एमएलए हैं, पता नहीं कौन से एमपी एमएलए हमारे इधर के पता ही नहीं है किसी का, कुछ हंटर फंटर लोग हैं वहाँ पे, वो आने नहीं देते हैं, वो यूँ नहीं आने देते, कहने पानी नहीं आने देता। 2-4 गलियाँ हैं, पहले एमकेएम वाले आते थे, भाई हम तुम्हारे लिए आएंगे, उनको वोट दिए कुछ भी करे, वो एमकेएम वाले भी पता ही चलते वो किधर गए किधर नहीं गए। सही है, फिर पीटीआई वाले आए, उनका भी पता ही नहीं कहाँ गए किधर नहीं गए। पूरे वहाँ से वोटर बोट से वो करके अपनी मदद आप पूरे इलाके। आपने कोई ऐसी कंप्लेन वगैरह के खिलाफ कोई लॉन्च करवाई गई अपर लेवल पे? नहीं, कोई लॉन्च नहीं कराई कंप्लेन, मैंने इनसे बोला एल आई इलाका से कि साइन करके दें, ठीक है ना, इन लोगों ने किसी ने नहीं दिया, वहाँ आगे से लेके लाइन अपनी मदद सबसे चंदा करके घर घर वहाँ तक हमने लाइन ली है, वहाँ से ड्राइंग ऊँची है, उसको जो है ना नीचे कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। खर्चा आया था सर इसके अंदर? कम से कम हमारा आया था 6-7 लाख रुपए। कोई खर्चा इसके अंदर और मजीद खर्चा है इसके अंदर लाइन? हाँ, 2-2.5 कितना खर्चा आएगा इसके? 2.5 लाख का खर्चा है अभी, 2.5 लाख का। तो ये कौन क्लियर करेगा? ये तो अभी हम सोच रहे हैं अपनी मदद आप करें, अगर ये अगर हमारी मदद कर सके तो मोस्ट वेलकम। हमारे इलाके में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है, आप देख लें, जमादार भी वहाँ लगे हुए, सीवरेज का काम भी वहाँ हो गया, पानी की लाइनें भी वहाँ डल गई है, शेड भी उन्होंने लगा दी है। आप हमारे को देखो, वो दरिया भी जाते हैं, हम लोग दरिया भी जाते हैं, वो आते हैं हमारे पास, तब्दीलें करते हैं, पर उनका ये इलेक्शन का दिन होता है वो आए थे उसी दिन ही देखा था उनका, मुबारक किया सर ने, यूपी मोड़ से लाइन लेकर आए अपनी मदद, किसी ने फी सबीलिल्लाह
क्या नाम है कराची मेयर को पैसा दिया वाटर बोर्ड से अप्लाई करके। यूपी मोड़ से लाइन जो आई है इस एवरेज के हवाले से कुछ बात करनी थी आपसे, कब तक ये काम कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पर? तकरीबन 15 दिन का काम है और हमारे वसीम अख्तर भाई जो मेयर कराची इनके से काम हो रहा है, हमारे पायतम में हो रहा है। आवाम यहाँ बोल रही थी कि ये हमने अपनी जेब से करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये किस तरह की कमिट्स जो दे रहे हैं आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? सारे ही मेयर कराची की तरफ से काम हो रहा है, सारी कराची मेयर हमारे मशीन मुख्तार की तरफ सारा काम हो रहा है। कितने फिट पे ये लाइन दली है सर? ये रनिंग फिट का काम है ये। पक्की बात है, इसकी आवाम से आपने वादा किया है, आवाम की वादों को आप वफा करेंगे? आप काम के प्रोग्रेस खुद ही देख रहे हैं। पहले जो आपने एक बात की ना कि आवाम, तो आवाम नहीं कभी भी ये कही कि हम अपने फंड से काम करवा रहे हैं, इसकी बेनिफिशियरी कुछ कोई और लोग होते हैं। जो इसकी बेनिफिशियरी हैं इस इलाके के वो आपको समझदार हैं कौन है, जो हमारे काम को और भी जगहों पर कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि काम हम करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम बहुत महदूद वसाइल, अफवाह फैलाई हुई है, फैलाई हुई, बिल्कुल अफवाह फैलाई हुई, और हम बहुत महदूद मसाइल में जो है ना वो काम को अपने लेके चल रहे हैं। अब उसमें हम DMC से भी काम करवा रहे हैं, ये बेसिकली DMC का काम है, ये मेयर कराची के फंड से हमारा ये काम हो रहा है, और अल्लाह अल्लाह करके ये हमने बहुत मुश्किलों के बाद ये काम अपना पाए तक मिल तक पहुँचाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो रहे हैं। हमारे जितने भी काम है हमारे, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने कामों में कामयाब हो रहे हैं। ये लाइन जो आप देख रहे हैं काफ़ी पुरानी लाइन है, ये मतलब एक अरसा दराज हो गया, 169 आती है, 169 के दौर की ये लाइन है, और अब हम ये इसको बदलने जा रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी मुश्किल भी थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि आवाम इसके काम से बहुत मुतमईन है, कुछ लोग हैं जो इसको डिनाई कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, 80% लोगों ने इनकी फेवर में बात की है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, मुश्ताक साहब अच्छा काम करवा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर नॉर्थ कराची सेक्टर के अंदर, आपने आज काम भी देखा, सेवरेज के हवाले सारे काम किए, सारे मामले देखे यहाँ पर। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा J4 News से हमारे को।